मिशन सुरक्षित सूरत अंतर्गत पोलिस द्वारा कार्यक्रम योजायो हतो। आ कार्यक्रम में कमिश्नर सहित तमाम अधिकारी अने पोलिस इंस्पेक्टर हाजर रहया हता, जेमां झोन 2 ना नाना मोटा गुना करनार तमाम गुनेगारों ने आश्रे 150 जेटला ने एक होल में भेगा कराया हता। अने पोलिस कमिश्नर द्वारा कहेवामां आव्युं हतुं के सुधरवा मांगो छो तो पोलिस तमने मदद करशे, खोटी रीते कोई ने पण खोटा क्राइम में फसावाशे नहीं, ए खाकीनी जवाबदारी छे। गरीबी, बेरोजगारी, नशो, कुसंगता आ गुनाओना मुख्य कारणों छे। तमने सजा कराय छे तो कुसंगताओथी दूर करवा माटे तमारा विचारो ज तमारा आचरण नक्की करता होय छे। तमने एवुं लागे छे के तमे गुनानी तरफ जई रह्या छो, त्यांथी यूटर्न मारी लो। तमे गुनाखोरी छोड़वा मांगता हो तो तमे पोलिसनो संपर्क करो, पोलिस तमने मदद करशे। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके पुलिस ने आज एक कार्यक्रम रखा है जिसमें ऐसे युवाओं को आज भस्त्रिका, योगाभ्यास और आर्ट ऑफ लिविंग की वो प्रक्रियाएं सिखाई जा रही हैं जो कभी ना कभी किसी गुनाह में आ गए होते हैं। यदि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे एक गुनाह हो गया है और वो सुधरना चाहता है तो पूरे राष्ट्र के, पूरे समाज के, सभी की भलाई इसी में है कि उसको ठीक होने का मौका दिया जाए। पुलिस कायदे का अमल पूरी कड़काई के साथ करती है, लेकिन साथ साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि हमारे जो युवा गलती से एक बार गुनाह कर चुके हैं उसके बाद यदि सुधरना चाहते हैं तो उनको सुधरने का मौका दिया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग हमारे साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रही है और आज सभी युवा जितने भी यहाँ थे उन्होंने ये इच्छा बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बताई कि वो चाहते हैं कि फिर से कभी गुनाह के रास्ते पर ना जाए। तो पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का इसमें भला है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट कायदो व्यवस्था, जाहिर व्यवस्था इसको मेंटेन रखेगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से एक बार गुनाह उनसे गलती हुई है, दूसरी बार वो उससे बचना चाहते हैं तो उनको बचने में पूरी पूरी मदद भी करेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं, क्राइमोजेनिक फैक्टर्स हैं, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी में ये बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो शराब के या किसी और तरह के नशे के कारण गुनाह के रास्ते पे जाते हैं, गलत कंपनी इन्हीं चीज़ों से जाती है। इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, अनेक विध बहुत तरीके से प्रयास करेंगे कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। सूरत में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का आना हमारा अभियान लगभग 2 साल से चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। गलत जो क्रिमिनल्स हैं, जो पक्के क्रिमिनल हैं, उनके विरुद्ध हमने सख्त एक्शन भी लिया है, लेकिन जो लोग सुधरना चाहते हैं उनको सुधारने के प्रयास के भाग रूप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ये प्रयास चल रहा है। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ाला रहो अब तक साथे।